Hi, welcome to a new challenge video, Mom versus Me. तो सिंस हम दिल्ली गए थे वहां पे हमें स्पेशल लगा कि वहां पे शीन और स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के फिजिकल स्टोर्स थे तो यहाँ पर हमने सब ऑनलाइन देखा एंड वी रिसर्च एंड इट्स ओनली इन दिल्ली एंड दैट्स व्हाई हम दोनों ने एक एक स्टोर सिलेक्ट की एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड एन आउटफिट फ्रॉम देयर. तो सबसे पहले हम चलते हैं शीन स्टोर. वैरायटी भी अच्छी थी और वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं. जैसे आप कुछ दो खरीदते हो तो कुछ 1200 के हैं, कुछ 1500 के हैं और वहाँ पे सब उन्होंने ऐसे डिवाइड करके भी रखे हैं कि 1200 वाले में मतलब आप इसके साथ में ये क्लब कर सकते हो, 1500 वाले ये है. कुछ चीजें अगर आपको पेयर में नहीं लेनी है तो इंडिविजुअल भी वो लोग देते हैं. थोड़ा सा कुछ 100 rupees प्लस माइनस होता है उसमें, बट कलेक्शन बहुत अच्छा था. सेकेंड थिंग, वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बहुत सारे है फर्स्ट फ्लोर नीचे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. साइज का मुझे थोड़ा सा वहां पे लगा, जैसे एक्चुअल हमारी साइज है अराउंड लाइक 28 या कभी 30, तो वहां पे 32 साइज जो है वो मुझे थोड़ी सी लूज, बट वो मुझे साइज आई जो लगता है. तो साइज का आपको वहां पे वो साइज देख के नहीं, आप ट्रायल करके हमें लेना है ताकि अगर हमारे 30 है तो हो सकता है हमें 32 फीट हो, 32 साइज चाहे तो 34 फीट हो. सिर्फ एक मुझे लग रहा है कि वो एक चीज का ध्यान रखना है इन बॉटम वेयर. ये तो नॉर्मली भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कि शीन ऑनलाइन जब हुआ करता था ना तो वहां पे साइज अप करना ही पड़ता था, मे बी बिकॉज इट्स लाइक यू नो मेड इन अ डिफरेंट कंट्री. लेकिन आई हैव एन ऑब्जर्वेशन व्हिच आई वांट टू आस्क इफ यू हैड सीन दिस और नॉट. तो ये है मम्मा का बैग, इस पे शीन का स्पेलिंग देखो. हाँ, इट्स नॉट व्हाट इट वाज ऑनलाइन. ऑनलाइन था एस एच ई आई एन, दिस इज एस एच आई एन. मुझे लग रही थी वो वाला शीन नहीं है. आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स बिकॉज द स्पेलिंग इज डिफरेंट एज शीन स्टाइल स्टोर. उसका नाम ये नहीं था. सो कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे दिमाग में कि मे बी नॉट शीन एंड एस 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 हैव द सेम मैन्युफैक्चरर. नाउ दैट मॉम इज डन, आई हैव नॉट सीन हर आउटफिट, बट लेट्स गो टू स्ट्रीट स्टाइल स्टोर एंड सी व्हाट वी कैन मेक. नाउ रीच स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, व्हिच इज माय डेस्टिनेशन एंड आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. यहाँ का कलेक्शन एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स एवरीथिंग फॉर एवरी बॉक्सेस वेल, तो फुल स्लीव बॉक्सेस वेल. सो आई थिंक आई कैन मेक अ बोल्ड आउटफिट, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. I like my outfit. The thing is कि वहाँ पे ना clothing के इतने options नहीं थे. I wanted to layer, but there were literally like 2-3 jackets only. And जो मैंने choose किया है outfit उसके साथ matching तो कुछ भी नहीं था. थोड़े unisex type jackets थे. And talking about the clothing, the material I think was a little bit on the lower quality in general. So I really liked the physical store था ताकि मैं देख के ले सकूँ what I want. क्योंकि normally ना ये होता था जब ये online लेते थे from like very very affordable brands like these की कभी कभी material बिल्कुल अच्छा नहीं आता था. So that is a plus. Footwear options बहुत सारे थे लेकिन again same problem sizes. मेजॉरिटी फुटवेयर में मेरी साइज नहीं थी विच इज 40 और 41 क्योंकि मेरा पैर बहुत बड़ा है. सो आई हैड टू सेटल, मेरे को जो चाहिए थे वो तीन नहीं मिले, चौथे में फाइनली मेरी साइज मिली. क्लोथिंग वॉज ओके, फुटवेयर वॉज अमेजिंग एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द बैटल ऑफ
the outfits. Oh, मुझे corduroy वाली feeling आ रही. Okay, 3, 2, 1. Whoa, she looks hot. Wow. Clearly हम दोनों का aesthetic completely different है. You know, cottage girl vibe. And mama has gone full on like 20s party vibe, and it says she does bad. Wow. मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा. ये मेरा favorite color है yellow and orange and flower also. So मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मैं wait करूँगी मैं कब पहनूँगी. So one thing I can see is I didn't get a bag क्योंकि मेरे store में bag नहीं था. But mama has a lot footwear, so उधर footwear नहीं थे. Oh, and accessories. एक्सेसरीज भी वहाँ पे नहीं थी, सन ग्लासेस थे वहाँ पे. ओके, इंटरेस्टिंग. दोनों स्टोर्स हैड वन डिफरेंस फॉर श्योर, लेकिन हैव अ लुक एट हर आउटफिट फर्स्ट. बट यहाँ पे शिन पे मुझे मिल गई एंड बहुत ही अच्छी फिट है. ओनली जैसे मैंने साइज का बताया, दिस इज 32, सो थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है. एंड टॉप अमेजिंग, बहुत अच्छी फिट है. एंड कॉर्डरोय जैकेट भी मुझे मिल गया. ये जैकेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इसको मैं लाइक हाफ पैंट के ऊपर भी स्टाइल करना चाहती हूँ, शॉर्ट स्कर्ट के साथ में भी करना चाहती हूँ. एंड दिस इज लाइक फ्री स्टाइल जैकेट एंड कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड पर्स ये भी मुझे लगा कि मैं यूज करूंगी, हेली को भी बहुत अच्छे से यूज हो सकती है. दिस इज ब्लैक के ऊपर सिल्वर, तो वेस्टर्न के ऊपर भी बहुत बहुत ही अच्छी लगेगी. लेकिन बहुत बहुत ही अच्छी फिटिंग है. एंड जैकेट भी बहुत ही अच्छा है, फिटिंग वाइज शोल्डर अच्छे से बैठ रहे हैं. ये जैकेट मैंने लिया था कॉर्डरोय शॉर्ट 700. एंड पर्स मेरे लिए सबसे ज्यादा आउटफिट में मुझे अच्छा लगा, तो ये पर्स अच्छी लगी. ओनली 700 रुपीज. इसमें स्लिम भी है दिया है साथ में, एंड काफी सारा सामान अंदर आ सकता है. अंदर बहुत स्पेसियस है, जिप भी दी हुई है. सो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई ये पर्स. अभी मेरा टोटल है 2700, लेकिन मैंने फुल आउटफिट लिया है. हाँ, लेकिन बजट पे तो पॉइंट्स मिलने चाहिए. वैसे तो मेरा आंसर भी फुल बोल सकते हैं क्योंकि हील्स है, आउटफिट है. यू नो, अभी आपको इलेक्शन वाली वाइब आ रही है क्योंकि नाउ यू हैव टू वोट ऑफ हु वन द चैलेंज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इसलिए हम आपका वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं. तो
आई थिंक मेरा आउटफिट बहुत ही अभी ट्रेंडी है, वेरी ऑन पॉइंट। 1299 ही बाय हील्स तो और कितना ऑप्शन से सब जा सकती है, तो मेरे लिए गुड करना। नहीं मेरा देखो आप, मेरा फुल आउटफिट है, ओके, नो डाउट मेरे प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने चार चीज़ें ली है, पर्स, जैकेट, टॉप, और आप ये सोचो मेरा ये टॉप भी कितना तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, लाइक हाफ पैंट के ऊपर, बहुत सारे तरीके से। सो मेरी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसको स्टाइल बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेरे हद से भी ज़्यादा है आपका टोटल, तो नहीं मुझे मिलना चाहिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं कौन जीते, बस आपका वोट देना है आपको। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, वी होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस स्ट्रेटजी स्पेशली टू मेक दिस वीडियो ओनली वी वेंट टू हॉर्स कास्ट, एंड अगर आपने एंजॉय किया तो डू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। इफ यू डिड नॉट एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो विद अस, गिव अ थम्स अप। वी विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन, गुडबाय।